गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम परसेंटेज के टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं, अभी हमारी दो क्लास चल रही है। पहली क्लास जो रेगुलर चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो सुबह 10 बजे होती है और ये डेली क्लास होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस क्लास को भी ज्वाइन करें, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं। और जो सेकंड क्लास होती है वो एमपी प्लस पीवाईपी सेशन की अभी क्लास चालू हुई है, जो 5 बजे शाम को होती है। और अभी ये अल्टरनेटिव है, और अल्टरनेटिव है तो कौन कौन से डे, मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमारी दो क्लास चल रही हैं, अभी ये अल्टरनेटिव है, लेकिन आगे से हम रेगुलर करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो कई स्टूडेंट ने मैसेज किया है सर कौन कौन से चैप्टर लिस्ट में है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप गुप्ता मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसमें प्ले लिस्ट में देखेंगे। टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, वर्क एंड बिजनेस भी कंप्लीट कर लिया है, पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है और परसेंटेज भी कंप्लीट कर लिया है। और इन सभी के टेस्ट भी हो चुके हैं और टेस्ट के सॉल्यूशन भी हो चुके हैं, केवल परसेंटेज का टेस्ट का सॉल्यूशन रह गया है, जिसका आज कंप्लीट हो रहा है। तो अभी इस तरह से कंटिन्यू में जो वर्तमान में जो दो क्लास चल रही है, कौन कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस और एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन। तो जिन स्टूडेंट ने तरह की पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट से देखें, और फिर कोई डाउट हो तो उस तरह का फिर डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो कल के होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों ने दिया, मुझे खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और कल जो क्वेश्चन के आंसर दिए उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए पुष्पेन चौरसिया, 10 out of 10। सेकंड नंबर पर आकाश राव, 10 out of 10। और थर्ड नंबर पर आदित्य महकाली, 10 out of 10। और फोर्थ नंबर पर पलक सोनी, 10 out of 10। और फिफ्थ नंबर पर रमन चौरसिया, 8 out of 10। तो इस तरह से सभी जो चार स्टूडेंट आए हैं जिनके 10 में 10 नंबर हैं, इन सभी को बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इन लोगों की तैयारी आपको दिख रही है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये डेली, इनके नाम आप स्क्रीन पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रैक्टिस अच्छी है और ये डेली क्लास को पढ़ते हैं। तो और भी स्टूडेंट अगर टॉप 5 की लिस्ट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद आप सबसे पहले अपने होमवर्क का क्वेश्चन किया करें। और भी लोगों ने आंसर दिए, लेकिन चूंकि मैं यहाँ केवल 5 स्टूडेंट के नाम दिखा सकता हूँ, तो वो नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं अपने होमवर्क के टेस्ट, कल के टेस्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, अब कई लोग सोचेंगे इसे कैसे करें। तो देखिए, यहाँ तो लिखा हुआ है 0.6, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.6, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0। देखिए, आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.6 ये आप लगा लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है, इस पे भी लगा लेते हैं। अब परसेंट लगाए, परसेंट लगाए तो आप सभी जानते हैं कि सर नीचे 100 आ जाता है। 100 आने का मतलब है दो, इसको डिवाइड करेंगे तो दो अंक के बाद क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 1 और 1 2, और लास्ट में फिर क्या आएगा, 6। अब आपको इनके बीच अंतर चाहिए, तो अंतर का होता है माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 10, तो यहाँ पर मैं इसकी 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब आप देखेंगे 10 में से 6 गए तो कितने, 4, ये कितने बचे, 9 में से अगर तो ये 9 ही है, यहाँ कितना बचा, 1 में से, सॉरी 1 कम हो गया ना, कह लिया तो कितने बचे, 5। तो आंसर क्या आएगा, 0.594, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही सरल टेस्ट दिया था मैंने, जिससे आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले, तो अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन था, दो लोहे के गोलकों का वजन 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है, दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का प्रतिशत वजन बताएं। तो देखिए, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट आपका गोला है और ये आपका ये सेकंड गोला है। इनका आप क्या देखा है, वेट देखा है, फर्स्ट वाले का देखा है 3.5 kg और सेकंड वाले का देखा है आपको कितना, 7.5 kg। तो अगर हम दोनों में पॉइंट हटा दो तो आप जानते थे बिल्कुल हट सकता है, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों गोलक के दूसरे जो गोलक की तुलना में फर्स्ट वाले का प्रतिशत वजन होता है, मतलब जो फर्स्ट वाले का वजन है वो सेकंड से कितना परसेंट है। तो देखिए, तुलना जिसकी भी होती है, कंपेयर जिसकी भी होती है, उसे हम नीचे लेते हैं। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इसका वजन यानी ये जो 35 है, ये 75 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है,
और परसेंट के लिए हम क्या लगा लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप सभी जानते हैं। पूछा गया था जो पहले वाले का जो वजन है, का मतलब आप समझ जाते हैं, मल्टीप्लाई तो ऐसे भी समझ सकते हैं, और जिससे कंपेयर होता है, जिससे तुलना होती है, उसको हम नीचे लेते हैं। तो आप 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 × 7 = 35, डबल जीरो तो है, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा, ये आएगा आपका 5 से काटेंगे तो 15 होगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 15 से कितना, 15 × 4 = 60, ठीक है। या आप इसको और छोटा कर लीजिए, 5 से इसको काट देंगे, 5 × 5 = 5, कितने बचे, 2, 5 × 4 = 20 और 0, और 5 से काटेंगे 3 बार, 3 × 4 = 12, 2 बचे, तो 3 × 6 = 18, ठीक है, 3 × 6 = 18, 2 शेष बचे थे और 3 से भाग दे रहे थे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 2/3%, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, x y से 20% कम है, x है वो y से 20% कम है, तो आप मुझे बताइए, ये x है ये y है, तो x y से 20% कम है, तो एक तरीका तो ये, कम से कम y को परसेंट में हम क्या मान ले, 100, अगर हम y को परसेंट में 100 मान लेते हैं तो x परसेंट में कितना कम होगा उससे 20, और 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 80% हो जाएगा, ठीक है। तो अब परसेंट से परसेंट कट गया, आप इसे 20 से काट देंगे ये 4 बार और 20 से काट देंगे ये 5, ठीक है, मतलब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू कितनी है इतनी। अब आपको इस इक्वेशन में रखना है कुछ नहीं, तो ये लिखा होगा y माइनस x अपॉन में y, और ये कितना लिखा हुआ है, x अपॉन में x माइनस y, कोई लग नहीं, x का मान कितना है 5, मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर 5, y का मान कितना है 4, तो ऊपर कितना बचेगा 1, अपॉन y का मान कितना है 5, 1/5। देखिए दोस्तों, अब अगर केवल मैंने इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया तो इससे भी मेरा आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए जिसमें 1/5 एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर थर्ड में, अगर आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई का मान कितना है 4, एक्स का मान कितना है 4, 4 में से 5 जाएंगे तो -1, और -1 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला गया, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, दो संख्याओं का अंतर, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दो संख्याएं कोई भी मान लूं, मैं ए बी सी, ए बी सी मान, ए बी मान सकता हूं, एक्स बी मान सकता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ए माइनस बी, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, उनके योग का, अब इनका योग क्या होता था, कहेंगे सर अंतर ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो योग ए प्लस बी होगा, इनके योग का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं, मल्टीप्लाई, तो 45% परसेंट आएंगे तो नीचे 100, इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 45/100 क्यों, क्योंकि मैंने परसेंट काट दिया, 5 से काट देंगे 9 और 5 से काट देंगे 20, ठीक है, 20 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 20a - 20b बराबर 9 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a + 9b, अब क्या करना है, एक इक्वेशन को सेम वाली को इधर लाएंगे, तो देखिए ये a है, ये a इधर आएगा, तो आप जानते थे 20a में से 9a माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 11a बराबर, ये 20 प्लस माइनस के लिए उधर जाएंगे तो प्लस के होंगे और 20 और 9 कितने हो जाएंगे 29b। अब आपको पता है a का मान कभी भी ये नहीं होता, a का मान होता है ये वाली वैल्यू और जो b का मान होता है वो ये होता है, तो आप a अनुपात b लिख सकते हैं, कितना 29 अनुपात, कितना 29 अनुपात कितना हो गया 11। अब आपसे पूछा क्या गया था, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या का अनुपात बताएं, तो आ गया बड़ी संख्या 29 से छोटी संख्या 11 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी, ध्यान रहे ऑप्शन इसमें डी नहीं लगाएंगे आप, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताएं, पहली बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है फिर छोटी संख्या का, तो आंसर क्या है यही, अगर पूछा जाए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का तब हमारा ये वाला आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, मतलब 60% फैमिली ऐसी है जिनके पास क्या है गाय है, तो मैं लिख देता हूं काऊ के पास कितने हैं 60% फैमिली ऐसी है जिनके पास काऊ है,
30% परिवार ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के पास भैंस है। तो बफेलो को मैं देखा तो बफेलो कितनी है, तो आप कहेंगे 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास बफेलो है और 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास बफेलो और गाय दोनों ही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम कराए हैं, तो उसमें क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक गोला मैं बना लेता हूँ और ये गोला किसका है, तो आप कहेंगे ये गोला आपका काऊ का और ये गोला आपका किसका है, ये गोला आपका बफेलो का, ये काऊ का है, ये बफेलो का और ये जो हिस्सा है ये वाला जो बीच का, ये दोनों का है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 15% फैमिली तो ऐसी है जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, तो जो दोनों है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 15% लगा रहा है, 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि काऊ ऐसे कितने लोग थे गाँव में जिनके पास काऊ थी, तो आप कहेंगे 60% टोटल काऊ थी। तो काऊ का गोला कौन सा है, अब आप कहेंगे सर काऊ का गोला है वो कौन सा गोला है, काऊ का जो गोला है वो है हमारा ये वाला गोला, ये जो गोला है ये काऊ का पूरा गोला काऊ का है। अब आप बताएं काऊ में आना कितना चाहिए, 60%, 15 तो यहाँ आ चुका है तो बचा हुआ 45 यहाँ आएगा। इसी तरह से ये जो गोला है ये किसका है पूरा, तो आप कहेंगे ये गोला है बफेलो का और बफेलो में 30% आना चाहिए तो ये 15% तो इधर आ गया तो बचा हुआ 15 कहाँ आएगा यहाँ। तो अब आप टोटल जोड़ेंगे तो 15, 15, 30, 30 और 45 कितना 75% लोग ऐसे होंगे गाँव में जिनके पास ये होगा। तो आपसे पूछा गया है तो एक ठीक है, यदि गांव में कुल 96 परिवार हो तो आपने देखा कि ओवरऑल गांव में लोग कितने हैं जिनके पास वो है, तो आप कहेंगे वो कितने हैं 96 परिवार। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है, तो अब आप मुझे बताइए 75% लोग तो वो हो गए जिनके पास गाय भैंस है या गाय और भैंस कुछ ना कुछ हो रहा है, ये टोटल है। तो कितने परसेंट ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, आप कहेंगे वो होंगे कितने 25% सर 25 होंगे, क्योंकि कोई भी चीज परसेंट में कितनी होती है वो होती है 100। अगर 75% लोगों के पास काऊ और बफेलो है तो 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो संख्या दे रखी है ये कितने की दे रखी है, आपको 100% का मान दे रखा है। यदि एक गाँव में कुल लोग 96 परिवार है, कुल 96 है, ये नहीं कहा कि गाय तेरे पास है और भैंस तेरे पास नहीं, कुल 96। तो अगर 100% का मान कितना है 96, तो 1% का मान कितना आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1% का मान आ जाएगा 96/100, ठीक है। अब आपसे पूछा था कितने का मान है 25 का, क्योंकि 25% का मान बता रहा है जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप 25 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी एक यूनिट का मान कितना आएगा C। तो गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस, तो कितने हैं, कितने 24, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तो मैं उसको अगले दिन दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखिए 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन परीक्षा की दी, मतलब जो स्टूडेंट है टोटल वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। तो टोटल अगर स्टूडेंट 600 हैं तो बोला गया है कि रसायन शास्त्री ने ये लिखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री की परीक्षा दी, ठीक है, यहाँ तक ये लिखा हुआ है। आगे बोला गया 35% छात्र फिजिक्स में और 45% छात्र रसायन में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब क्या हुआ है ये फेल हुआ है। फिर आगे बोला गया 40% छात्र ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हुए। देखिए ध्यान रहे जो ये पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ये 60% थे, ये 30% थे और ये दोनों थे, तो हमने ऐसा किया था। इसमें क्या है, ये जो डेटा दे रखा है 35% और ये जो डेटा दे रखा है 45%, ये तो है फेल का और ये जो डेटा दे रखा है 40%, ये किसका है, ऐसे है जो पास हुए। तो ये बात अलग अलग हुई, अगर ये भी फेल का दिया होता तो फिर हम वही काम करते जो अभी हमने किया। तो हमें इतना बताया, देखिए क्या कि फिजिक्स में, देखिए फिजिक्स में भी लिखते हो, फिजिक्स में कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं 35, फिजिक्स में कितने परसेंट लोग हुए हैं, फिजिक्स में फेल कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे कितने हुए, तो मैं एक बार लिख देता हूँ वो कितने हुए हैं, देखिए तो मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल तो कितने हैं, टोटल हैं 600, ठीक है, टोटल कितने हैं 600, ठीक है,
टोटल कितने हैं 600। अगर टोटल 600 हैं तो क्या करते हैं इसमें, टोटल हैं 600, टोटल ये हैं 600, ठीक है। अब टोटल 600 है तो फिजिक्स में कितने हैं, तो आप कहेंगे फिजिक्स में देखिए 35% क्या है, फेल हुए हैं। तो आप कहेंगे सर 35% अगर इसमें फेल हुए हैं, आप मुझे ये चीज बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर फिजिक्स में 35% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे फिजिक्स में पास होंगे, पास होने वालों की संख्या कितनी होगी 65%। क्यों? क्योंकि इतना बताया कि कोई भी स्टूडेंट होते हैं, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, तो अगर 35% फेल हो गए तो 65% क्या है, पास होंगे। ये फिजिक्स की बात होगी। अगर हम यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितने फेल हुए हैं, आप कहेंगे 45% यानी 45%। अगर 45% केमिस्ट्री में फेल हुए हैं तो इसमें पास कितने हुए होंगे, आप कहेंगे सर इसमें पास होने वाले का परसेंटेज कितना होगा 55, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। तो अब आपको फेल का भी डेटा मिल गया, पास का भी। अब इसमें जो दे रखा है 40% डेटा, ये किसका दे रखा है, तो ये दे रहा है पास का डेटा। तो अब हम यहां बनाते हैं, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का गोला है हमारे पास, और ये हमारे पास केमिस्ट्री का गोला, और ये जो बीच में दिख रहा है वो दोनों का है, ठीक है। तो देखिए दोनों में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 40%, मैं 40 लिख देता हूं, क्योंकि दोनों में लिखा है, दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है 40%। अब आप देखिए फिजिक्स में पास होने वालों की कितनी है, तो आप कहेंगे 65 में से अगर 40 यहां आ गया, और ये जो पूरा गोला है ये किसका गोला है, ये वाला गोला पूरा किसका है, तो आप कहेंगे ये केमिस्ट्री फिजिक्स का है। तो अगर आप में पता है कि 65% पास हुए 40 यहां है, तो यहां कितना आएगा 25। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितने लोग पास हुए देखिए 55, और यहां कितने आएंगे 40, तो बचे हुए यहां कितने होंगे 15। तो अब आप सबको जोड़ लिए, तो 25 और ये कितना होता है 15, 40 80% तो ऐसे लोग हैं जिनके पास जो क्या हुए पास। क्यों? क्योंकि ये डेटा हमने किसका निकाला है, पास का। तो अब आपको पता है 80%, तो फेल कितने हुए होंगे परसेंट में, तो सर परसेंट में हम जानते हैं कि फेल हुए होंगे 20, तो 20% अगर लोग फेल हुए हैं तभी तो जाके ये टोटल कितना होगा 100, कोई भी चीज 100 होती है। तो अब आपसे पूछा है फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताएं, मतलब छात्रों की संख्या बताएं। तो अब आप इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल छात्र कितने थे 600, और 600 में से फेल कितने होंगे 20%, तो इसका 20% कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक जीरो हटा देते हैं, 10% अगर 60 है तो 20% कितना होगा 2, यानी 120। ऑप्शन नंबर क्या आएगा 6। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं 10% का मान होता है 1/10, 10 पर एक चीज बढ़ेगी, तो अगर आप जानते 10 पर एक चीज बढ़ेगी तो वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 11, और इसकी कुल मासिक बिक्री 20% कम हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज ऐसी होती है जिनकी कीमत कम बढ़ती है, तो उनका कंजम्पशन क्या है, कम हो जाता है, तो इसका कंजम्पशन क्या है 20% कम हो रहा है। अब 20% कितना होता है सर, ये भी हम जानते हैं 1/5, यानी 5/1 कम, तो 5/1 कम करेंगे तो कितना होगा 4। तो अब आपको पूछा है ओवरऑल क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले कितनी थी बिक्री, तो बिक्री थी ये थी 10×5 कितना 50, अब कितनी है 11×4 44, यानी कितनी कम हो गई, तो आप कहेंगे 6 कम हो गई। और कोई चीज कम क्यों होती है, क्यों, क्योंकि सामने वाली ज्यादा की हो, है ना, कोई चीज कम कब होगी जब सामने ज्यादा हो, और अगर कोई चीज ज्यादा कब होगी जब सामने वाली कम हो। तो अब आपको पता है 6 कम है कितने पर 50 पर, तो परसेंट के लिए क्या करें 100, तो 50 से 2 और 6 दूनी कितना 12, चूंकि ये 12% कम आएगा कि ज्यादा, क्योंकि हमें पता है ये कम हुआ था, तो आंसर क्या आएगा 12% डिक्रीज, ना कि इंक्रीज, ठीक है। सरल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन लिखा हुआ किसी संख्या को 20% बढ़ाया दिया जाए तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बड़ी हुई संख्या कितना कम करना होगा, ठीक है। तो मैंने देखा था कल कुछ लोगों के, एक दो लोगों के लिए क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए 20% बढ़ा दिया जाए का मतलब क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं 20% का मान अभी सर आपने लिखा था 1/5, यानी 5 पर क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, तो अगर 5 पर 1 बढ़ गया है तो होगा कितना 6। अब वो कह रहे हैं कि मूल संख्या, देखिए मूल संख्या तो यही थी,
याद है कि नहीं है? मूल संख्या तो यही थी और ये हमने बढ़ाई, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना कम करना होगा? तो इतने दिक्कत होगी कि आप उसको उल्टा कर दीजिए, छह से कितनी होगी? पांच, तभी तो हम मूल संख्या पर पहुंचेंगे। तो आप कहेंगे इससे यहाँ पहुंचना है, कितना कम हुआ? एक। और कोई चीज कम कब होती है? कोई चीज कम कब होती है? सामने वाली ज्यादा की हो तो आप कहेंगे एक बटे छह होगा, और एक बटे छह हम जानते हैं सर 16 से 2/3% होता है। तो आंसर क्या आएगा? 62/3% हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चीनी की कीमत में 20% की कमी होने वाला, एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 kg चावल चीनी ज्यादा खरीद सकता है। देखिए 25% की कमी कौन बताएगा मुझे? तो 25% की कमी का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं सर 25% का मान होता है 1/4, यानी 4/1 की कमी कमी हो रही ना। तो आप कहेंगे प्राइस कितनी हो जाएगी? प्राइस हो जाएगी 4 से 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कंजम्पशन क्या होगा इसका? तो कंजम्पशन होगा इसका 3 से 4। ये कैसे होगा? तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट में आपको अभी बता देता हूँ, समझा देता हूँ, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो परसेंटेज मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है वो लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने। कई बार क्या होता है जब सामान लेने जाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि कीमत कम हो गई, परसेंट कुछ इसकी चीनी की कीमत कम हो गई। तो आप उससे क्या कहेंगे? तो पैसे ले लेंगे वापस, कुछ बचना है या उससे क्या कहेंगे? भैया जितनी कम हुई उतनी बढ़ा दो, उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो इसीलिए हम कंसेप्ट को क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो पहले आप कंजम्पशन कितना कर रहे थे? 3, आप कितना हो रहा है? 4। कितना ज्यादा हो रहा है? 1। एक क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो गई पर एक नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में तो कितना आएगा? 10। तो एक पेन की कीमत कितनी है? 10। ठीक है, याद रहे एक पेन की कीमत कितनी है? 10। अब आपसे पूछा क्या है? तो चीनी की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताएं। देखिए घटी हुई कीमत कौन सी थी? तो पहले तो ये बढ़ी हुई पहली वाली कीमत थी, ये कम वाली कीमत थी, तो घटी हुई कीमत ये है, आंसर निकालना है। तो इसी इक्वेशन से मतलब है, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 10 में करूंगा तो कितना होगा? 40 kg। पहले जो कंजम्पशन 3 था वो 4 हो गया, और एक पेन की कीमत 10 है तो 4 यूनिट का मान कितना? 40 kg होगा। और 40 kg कितने में खरीद रहे? देखिए 600 रुपए में। तो आप 600 रुपए में अगर 40 kg से भाग देंगे तो आपको पर kg यूनिट का मान मिलेगा, और वो कितना आने वाला है? 15 रुपए पर kg। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। पहली बात तो ये क्लियर है। अगर वो पूछे कि ये चीनी घटी हुई, अगर पूछे वास्तविक कीमत बताएं तो वास्तविक कीमत कौन सी थी, तो फिर 10 का मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू में करते तो कितना आता था? 30। और 600 में अगर आप फिर देते हो भाग देते तो आंसर कितना आता था? 20। तब आंसर आता है ये कब? जब पूछता है वास्तविक, ठीक है ना? दोनों अलग अलग बात है, घटी हुई पूछी इसलिए हमें इस इक्वेशन से मतलब है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई, फिर दोबारा 10% बढ़ाई गई, तो 20% का मान कितना होता है? 1/5, यानी 5 से वो कितनी होगी? 6। फिर दोबारा 10% बढ़ाई गई, अब 10% का मान कितना होता है? 1/10, यानी 10/1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 11। तो ओवरऑल क्या हुआ? 10×5=50 और 11 से 6 कितना? 66। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो बढ़ी हुई कीमत कितनी है? 99 रुपए। पर हमने देखा कि बढ़ी हुई कीमत कितनी थी? 66। और ये 66 किसके बराबर है? 99 की। आप देखेंगे एक यूनिट का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 99/66। तो आप 33 से काटेंगे, 33 दिया 99, 33 दूनी 1, यूनिट का मान कितना आ गया? इतना। तो पूछा वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या ये थी। अगर आप उसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 से काट देंगे 25, इसलिए कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज का भी। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज शाम को आपकी, यानी आज शाम को आपकी 5 बजे PYP सेशन होगा। अब आप कहेंगे सर PYP सेशन तो MWL में होता है, तो कल क्या है आपकी क्लास हो नहीं पाई थी मंडे को, तो वो क्लास आज हो जाएगी, इसलिए MP+ की PYP सेशन की क्लास आज आपको शाम की है। तो केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग अपने स्टेटस पे भी मेरी क्लास की लिंक को लगा सकते हैं, जिससे कि ये क्लास उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग अभी पढ़ने में थोड़ा
तो उनको क्लास नहीं मिल पा रही, पढ़ने का उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी की बात है, हम कल पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जो लोगों ने अभी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस नहीं देखी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, फिर कल इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।